शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए दोस्तों आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। डायरेक्टली आप अपने बैंक के अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से आप अपने किसी भी शेयर्स को, किसी भी स्टॉक्स को बाय एंड सेल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को फ्री में अपना डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं ऑनलाइन, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपन कराने का कंप्लीट प्रोसेस शो करने वाला हूं, जो कि 110% फ्री होने वाला है दोस्तों। फ्री में आप अपने डीमैट अकाउंट को खोल सकते हैं दोस्तों और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपस्टॉक्स में एक डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहां पे मैंने फ्री वाला लिंक दे दिया है। वहां पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस टाइप के इंटरफेस आ जाएंगे, आपका प्ले स्टोर खुल जाएगा जहां पे अपस्टॉक्स को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिंपली इंस्टॉल करके इसे ओपन पे क्लिक करके इसे आपको ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पे आपको यहां पे इन्वेस्टमेंट मेड इजियर फॉर एवरीवन, यानी कि बहुत ही आसान कर दिया कि आप स्टॉक्स के द्वारा, बहुत ही जाना माना प्लेटफॉर्म है अपस्टॉक्स। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट ए न्यू अकाउंट और लॉगिन का ऑप्शन दिया जाता है। लॉगिन हम बाद में कर रहे हैं, जब अकाउंट बन जाएगा तब। अभी हम अकाउंट बना लेते हैं, क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं हम अपस्टॉक्स के वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अपस्टॉक्स का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, आईपीओज, एफएनओ, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन में आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपना नंबर आपको यहाँ पे सबसे पहले देना पड़ेगा, आपका 10 अंक का जो नंबर होता है वो यहाँ पे देने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके फोन पे एक ओटीपी भेजा जाएगा 6 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है। और ओटीपी आते ही दोस्तों ओटीपी यहाँ पे डाल देना है और नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यही कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों को एक 6 डिजिट का पिन यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, यानी कि जब आपका लॉगिन करने का समय आएगा, जब आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा, तो इसी पिन का यूज करके आप बहुत ही आसानी से इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको 6 अंक का कोई भी पिन आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसे आपको कंफर्म योर पिन का सेक्शन में फिर से वही पिन आपको एंटर करना है दोबारा कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो वही 6 अंक का आपको यहाँ पे पिन, कोई भी 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का कोई भी पिन सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। वेरीफाई ईमेल एड्रेस आपको पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे गूगल से भी कर सकते हैं या फिर कोई अदर ईमेल अगर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करता हूँ और ईमेल यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। गेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एक ओटीपी आपके ईमेल पे भेजा जाएगा दोस्तों, जो कि आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं ईमेल तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सिंपली गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। एक ओटीपी आपके ईमेल पे भेजा गया होगा दोस्तों, देख सकते हैं ओटीपी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आप इनबॉक्स में चेक करेंगे, अगर नहीं है तो स्पैम फोल्डर में जाके चेक कीजिएगा जीमेल के, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए दोस्तों, तभी आप अकाउंट रेडी कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे बता दिया गया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड डिटेल्स देना है, पैन कार्ड का नंबर दीजिए और जो पैन कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो पैन कार्ड का नंबर और यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपका पैन कार्ड से आपका नाम ले लिया जाएगा। नाम लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ और भी डिटेल्स पूछे जाएंगे, आपका पर्सनल डिटेल, आपका क्या जेंडर है, आप मैरिटल स्टेटस है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, आपका एनुअल इनकम कितना है, तो जो भी आपका है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, आप नए बिगनर हैं या फिर 1-2 साल हो चुका है, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली हैं। और सेलेक्ट करने के बाद जब आप और नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपके लिए यहाँ पे रखे जाएंगे, वो भी एक्सेप्ट करना होगा। योर फादर नेम एज पर योर पैन कार्ड, आपका फादर नेम क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक्यूपेशन आप क्या है, आपका क्या करते हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। देख सकते हैं प्रोफेशनल, बिजनेस, हाउसवाइफ, रिटायर्ड, एग्रीकल्चर, क्या है, स्टूडेंट है, क्या है, वो आपको यहाँ पे देना होगा। आपको कोई भी यहाँ पे नहीं करना है दोस्तों और अपने हिसाब से यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, उसके बाद आपको डिजिटल साइन यहाँ पे करना है। जो भी आपका साइन है ना वो आपके मोबाइल में ऐसे खुल जाएगा, वहाँ पे आपको एक बोर्ड में आपको साइन कर देना है और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। साइन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिजी लॉकर से कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों और प्रोसीड पे हमें क्लिक कर देना है।
प्रोसीड पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपका डिजी लॉकर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है, आपको अपना आधार नंबर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक ओटीपी आपके फ़ोन पे भेजा जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको अलाउ बटन मिलेगा, उसे अलाउ कर देना है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो टैप टू अपलोड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, 15 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पे अपना कैमरा ओपन करेंगे और पैन कार्ड का फोटो इस टाइप से ले लेना है और यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है और बहुत ही आसानी से आपका पैन कार्ड अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक सेल्फी लेने के लिए कहा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। सेल्फी कुछ इस टाइप का आपको ले लेना है दोस्तों, देख सकते हैं सेल्फी मैंने ले लिया है। सेल्फी लेने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं सेल्फी मेरा रिटेक हो, सेल्फी मेरा अपलोड हो चुका है। सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो काम करना है दोस्तों, वो आपका बैंक डिटेल प्रोवाइड करना है, तभी ना आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। आपको बैंक डिटेल यहाँ पे भरने होंगे। बैंक डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बैंक डिटेल में आपका आपका नाम, IFC कोड, बैंक अकाउंट नंबर और आपका री इंटर बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि अकाउंट नंबर दो बार देना है और ये बैंक डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएगा और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा कि लिमिटेड टाइम अकाउंट ओपनिंग ऑफर है, यानी कि ये जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चल रहा है, साइन अप फॉर फ्री, ठीक है। बहुत ही आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट में साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक कर देंगे दोस्तों और हम लोग यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री पे यहाँ पे जो लिखा है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका आपका ऑफर जो है वो ऑन द वे है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आपको बोला जा रहा है कि वुड यू ऑल्सो लाइक टू एक्टिवेट योर फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी एंड कमोडिटी सेगमेंट एज वेल। तो यहाँ पे आपको नो आई विल डू इट लेटर पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। नो आई विल डू इट लेटर पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी इनकम प्रूफ वगैरह देखने यहाँ पे नहीं मांगा जाएगा। अगर आप यहाँ पे यस एक्टिवेट दिस सेगमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको इनकम प्रूफ भी देना पड़ेगा, इसलिए बेटर रहेगा कि आप यहाँ पे नो आई विल डू इट लेटर पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना, यानी कि कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद नॉमिनी ऐड करने के लिए आपको बताया जा रहा है दोस्तों, तो सिंपली आपको यहाँ पे बाद में भी कर सकते हैं, आई विल डू इट लेटर पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपको ई साइन विथ आधार ओटीपी पे क्लिक करना है, यानी कि अब आपको आधार वेरीफाइड मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ई साइन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। ई साइन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं इस टाइप का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को एक नया पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा NSDL का, ठीक है, ई साइन का। यहाँ पे आप सभी लोगों को चेकबॉक्स पे टिक लगा देना है और आधार नंबर देके सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आधार वेरीफाइड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है दोस्तों, ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो है आधार का ओटीपी वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। और देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी लोगों को बताया जा रहा है कि क्लिक हियर टू डाउनलोड योर साइन डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इट विल टेक 3 डेज, यहाँ पे लिखा गया है कि 3 दिन लगेगा इसको वेरीफाई करने में और अकाउंट ओपन करने में, लेकिन 3 दिन लगता नहीं है दोस्तों। सुबह अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं दोस्तों तो शाम तक अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड में यहाँ पे डन लग गया, यानी कि एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दिया है। फिर स्क्रूटनी होगा, यानी कि जांच होगा उसका डिटेल्स का, फिर अकाउंट एक्टिवेट किया जाएगा और लॉगिन डिटेल्स जो है आपके ईमेल पे यूजर आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। फिर आप अपस्टॉक्स ओपन करेंगे तो डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक करना है। वहां पे आपको बोला जाएगा कि आप अपना ईमेल आईडी दीजिए, यूजर आईडी दीजिए और पासवर्ड दीजिए, जो कि आपको ईमेल में मिलेगा, उसके थ्रू आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। उसके आगे मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो यहां से आपने अप्लाई कर दिया दोस्तों, 2-3 दिन में, मैक्सिमम 2-3 दिन लगेगा और आपको ईमेल के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्या रखा गया। फिर आप बहुत ही आसानी से अपस्टॉक्स में लॉगिन करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आप सभी लोगों को डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस शो कर दिया है। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है कि शेयर मार्केट आखिर काम कैसे करता है, शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाना चाहिए, तो आपको मैं एक वीडियो रिकमेंड करता हूं जिसका लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मैं उसका लिंक दे देता हूं। वहां से आप इसके बारे में अच्छे से सीख पाएंगे कि आखिर शेयर मार्केट काम कैसे करता है, कैसे यहाँ पे लोग अमीर बनते जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।